अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंडिया के अंदर एक ऐसा नया सेक्टर है जो 2030 तक $1 trillion की अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकता है, तो आप लोग बोलेंगे कि नवदीप क्या मजाक है ये। बट सैस भूमि की नई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो सैस मार्केट है वो 2030 तक $1 trillion की अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकता है। एंड मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये सैस होता क्या है, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सैस क्या होता है और आने वाले 7 से 8 साल में सैस इंडिया के अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है नवदीप और मैं बनाता हूँ इस चैनल के ऊपर स्टार्टअप और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे सैस के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सैस होता क्या है। तो मैं अगर आपको 90s में लेके जाऊं तो इंडिया की जो टेक सर्विसेज कंपनी थी जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो, वो US की टेक कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती थी। नाउ उस टाइम पे US की जो टेक कंपनीज थी उनको कस्टमर सपोर्ट चाहिए था और सबसे सस्ता इंग्लिश वर्कफोर्स मिलता है इंडिया के अंदर। नाउ इंडिया की जो टेक सर्विस इंडस्ट्री है वो अभी भी चल रही है, बट जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आजकल SaaS पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। नाउ SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर मैं 5 से 7 साल पहले आपको लेके जाऊं तो आपको अपने PC के अंदर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते थे एंड उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अकाउंटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था टैली जैसा, ERP के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते थे आपके कंपनीज के अंदर। बट आजकल आप इन सारे सॉफ्टवेयर को क्लाउड की हेल्प से ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये जितने भी स्टार्टअप हैं वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बाकी कंपनीज को अपना SaaS प्रोडक्ट बेचते हैं और हर महीने उनसे एक स्पेसिफिक अमाउंट मांगते हैं जिसको सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी बोलते हैं। अगर आपने कभी किसी वेबसाइट पर चैटबॉट यूज किया है तो वो SaaS का एक अच्छा एग्जांपल है। इसका मतलब मेरे जैसे किसी एंटरप्रेन्योर ने वो चैटबॉट बनाया है और हर महीने बाकी कंपनीज मेरे चैटबॉट को यूज करती हैं कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट पे कर। इनफैक्ट चैटबॉट ही नहीं, CRM जिसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिलिंग और अकाउंटिंग जैसे भी काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपने कभी जोहो या फिर फ्रेशवर्क का नाम सुना हो तो ये सभी प्लेटफॉर्म SaaS के एक अच्छे एग्जांपल हैं। नाउ इंडिया के अंदर आज के टाइम में 2000 से भी ज्यादा SaaS स्टार्टअप हैं, जिसमें से 20 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हैं। इसका मतलब उनकी वैल्यूएशन $1 billion से ज्यादा है, जो कि लगभग 8,000 करोड़ के आसपास बनता है। और ये सभी SaaS स्टार्टअप लगभग $3 to $4 billion का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और इनका जो टोटल नेट वैल्यू क्रिएशन है वो लगभग $20 billion के आसपास है। अगर मैं कुछ SaaS यूनिकॉर्न का एग्जांपल लूं तो पहला प्लेटफॉर्म है ब्राउजर स्टैक, जिस पर आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकते हैं, क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पोस्टमैन, जो कि नॉर्मली API टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपने शायद कभी ना कभी पोस्टमैन को जरूर यूज किया होगा। तीसरा एग्जाम्पल है ज़ेनोटी, जो कि स्पा और सैलों में यूज होता है एंड बेसिकली ये स्पा और सैलों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है ताकि वो बिलिंग कर सके, अकाउंटिंग कर सकें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट संभाल सकें। और चौथा सॉफ्टवेयर है डाविन बॉक्स, जो कि HRM, पेरोल, रिक्रूटमेंट, इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं उन सब के लिए एक ये काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर ही है। नाउ सैस भूमि की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक लगभग सैस का मार्केट साइज इंडिया में 1 trillion के आसपास हो जाएगा और ये इंडियन इकोनॉमी में 80 to $90 billion तक ऐड कर सकता है। और इतने बड़े सैस मार्केट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से सभी कंपनीज ऑनलाइन अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर दिया है और इन सभी कंपनीज में अभी सारे काम जूम मीटिंग पे हो जाते हैं। अगर कोविड से पहले अगर आपको किसी एक कंट्री के अंदर एक्सपैंड करना है तो लगभग आपको 15 से 20 लोग उस कंट्री के अंदर हायर करने पड़ेंगे ताकि आपकी जो GTM स्ट्रेटजी है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, उसको आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। बट कोविड आने के बाद हम लोग सारे काम जूम पर करते हैं तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन वाला काम भी जूम पर हो जाएगा। अभी समझ लेते हैं कि आप लोग इस SaaS वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूं गमलेट के अंदर, जो कि बाकी कंपनीज का मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करता है। नाउ रिसेंटली मैंने इस डोमेन के अंदर काफी सारी सेक्टर स्पेसिफिक SaaS कंपनीज देखी हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी ERP बनाती है तो वो इस ERP को स्कूल में भी यूज करवाती है, हॉस्पिटल के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के अंदर भी। बट रिसेंटली जो ERP हैं या फिर जो SaaS प्रोडक्ट हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक कस्टमाइज हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं वर्टिकल SaaS। इसका मतलब कि आप एक SaaS प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक इंडस्ट्री यूज करेगी। जैसे कि आप एक CRM प्रोडक्ट बनाएंगे
जो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए होगा। आप एक ERP बनाएंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज यूज करेंगे, और एक सेपरेट ERP होगा स्कूल के लिए K-12 के लिए। तो आने वाले 1 से 2 साल में इस SaaS डोमेन के अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, UX UI डिजाइनर और प्रोडक्ट मैनेजर की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। वेल, YouTube पर SaaS को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने SaaS जैसे टॉपिक के ऊपर एक पूरा 7 से 8 घंटे का कोर्स बनाया है Udemy के ऊपर, जिसको आप लगभग 200 या 300 रुपए में खरीद सकते हैं। उस कोर्स के अंदर मैंने बताया है कि SaaS कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आपको मैट्रिक्स मेजर करने हैं। तो अगर आप एक प्रोडक्ट मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट मैनेजर जैसा रोल लेना चाहते हैं किसी भी SaaS स्टार्टअप में या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो आप उस कोर्स को कर सकते हैं। उस कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं, तो आने वाले 7 से 8 सालों के अंदर SaaS के अंदर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। एंड मैं चाहता हूं जितने भी लोग जो SaaS के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी जानते हैं, तो इस डोमेन को आप सीखें और इस डोमेन के अंदर आप कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं अगर आप इस डोमेन को थोड़ा और सीखना चाहते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो SaaS के बारे में। अगर आपके दिमाग में SaaS से रिलेटेड कोई आइडिया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वेल, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड तब तक आप अपना ध्यान रखो, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से नई वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।